सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दोस्तों, महाअष्टमी के अवसर पर आप सबका बहुत स्वागत है और आप सबको बहुत शुभकामनाएं भी। मेरी पूजा हो चुकी है, हवन करके मैं उठ चुकी हूँ, आरती हवन हो चुका है। ये देखिए, एक छोटी सी झलक आपको दिखा रही हूँ मैं, और साथ में प्रसाद भी बन रहा है। ये देखिए, प्रसाद बन कर तैयार है करीब करीब। आज के दिन सूजी का हलवा, पूरी और काले चने की, जो बिल्कुल भून कर काले चने बनाए जाते हैं, बस यही चढ़ता है। तो ये देखिए, हलवा मेरा तैयार है। इसमें बस भून कर चाशनी डालनी होती है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो आज का प्रसाद यही है, तो यही प्रसाद चढ़ा और सबने प्रसाद ग्रहण किया। तो ये झलक देखिए, ये प्रसाद के साथ माता की तस्वीर है। महाअष्टमी की पूजा तो आप सबने भी की होगी, और बस एक दिन और है रामनवमी का दिन, फिर ये पूरा त्यौहार ही बस अपने समापन पे होगा। ये देखिए, पूरी, हलवा और काले चने की सब्जी। तो यहाँ किचन में सारी तैयारी हो रही है, बस एक किचन की झलक आपको दिखा रही हूँ मैं। प्रसाद बनाने के बाद हम लोग लग गए लंच बनाने के लिए। तो आज भी बिल्कुल सादा खाना ही बनना था। तो ये देखिए, ये आलू उबले हुए पड़े हुए हैं, और आलू भी खेत के हैं, शिकर के खेत में ही उगे हैं। तो ये बन रहा है सादा आलू मेथी। मेथी के पत्ते नहीं हो करके, वो मेथी साबुत को भिगोकर और उसकी सब्जी बनी है। मेथी डालकर थोड़ा बेसन हल्का भून करके, और जो मसाले हैं उन्हें डाला, तो बहुत अच्छी सब्जी बनी। साथ में पूरी खाया गया, और समय बच ही रहा था तो हमने सोचा आज ही आलू के चिप्स बनाए जाएं। तो ये घर में बनाया गया आलू का चिप्स, देखिए 2 किलो आलू। ये आलू भी घर के ही हैं, तो काफ़ी आलू पड़े थे। तो उसने कहा कि चिप्स बनाकर आप मुंबई ले जाइए, वहाँ पर तो मौका मिलता नहीं है। तो यहाँ देखिए, ये बड़े भगोने में बिल्कुल भर कर पानी उबाला है, और उबलने के बाद उसमें कटे हुए चिप्स जो हैं, वो कच्चे आलू के, वो डाल दिया गया, और उसमें 2 बड़े चम्मच नमक और 1 चुटकी खाने वाला सोडा डाला गया, और थोड़ा सा हल्का सा वो उबाल आया, मतलब ऑलरेडी पानी तो उबला ही हुआ था, तो ज़्यादा गलाना नहीं है, नहीं तो फिर चिप्स बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो उसको ध्यान रखना है कि ज़्यादा उसको गलना नहीं चाहिए। तो हल्का सा गल जाए बस, उसको निकाल कर पानी निथार कर धूप में खाट पे या फिर समतल ज़मीन पर भी डाल सकते हैं। हमने खाट पे डाला, बिल्कुल साफ सुथरा कपड़ा है ये देखिए, धूप में, क्योंकि धूप ही अच्छी निकली थी। 2 दिनों पहले बहुत बारिश हो रही थी, पर आज धूप बहुत अच्छी निकली है, तो इस धूप का फायदा उठाया हमने। यहाँ मौसम का तो कोई बिल्कुल मालूम ही नहीं होता है, पल में तोला पल में माशा। अभी 2-3 दिन पहले इतनी बारिश हो रही थी सूरजपुर में, इनफैक्ट पूरे छत्तीसगढ़ में, और बिल्कुल अप्रैल में ठंड सी लग रही थी, पर अभी देखिए कितनी धूप है। तो ये देखिए, हम सब परिवार मिलजुल कर चिप्स को सुखा रहे हैं, और सूखने के बाद इसे डब्बे में डाल देंगे। धूप इतनी कड़ी है कि वहां पर बैठना मुश्किल हो रहा है, फिर भी चिप्स को तो धूप में डालना ही था। तो इतने में भी दीप्ति भी अपने काम निपटा कर आ गई, और साथ में चिप्स दिए। देखिए, हम दोनों मिलकर चिप्स निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं सबको, बिल्कुल एक एक करके। तो जल्दी ही ये प्रोग्राम हमारा ख़त्म हुआ, और उसके बाद हम लोगों ने लंच लिया। तो यहाँ देखिए, करीब करीब सारे चिप्स बिछ चुके हैं, तो अब बस अब हम लोग दूसरा काम करेंगे। सबसे पहले तो लंच लेंगे, लंच लेने के बाद
थोड़ा आराम करने के बाद वियान के हैंड प्रिंट लेने का प्रोग्राम है। वियान इतना शरारती और मूडी है कि अगर उसका मन होगा तभी ले पाएंगे। तो फिर भी सब कुछ निकाल कर रखा है मैंने, मुंबई से ही कुछ कलर्स लेकर आई हूँ मैं। ये देखिए वियान नॉटी है इतना, जहाँ मम्मी है वहीं वियान रहता है। तो हालांकि अभी हम लोगों से बहुत हिल मिल गया है, फिर भी बहुत ज़्यादा किसी और के साथ रहता नहीं है। तो देखते हैं कैसे उसका हैंड प्रिंट लेना भी एक टेढ़ी खीर ही है। ये देखिए मैं तैयार होकर बैठ गई हूँ और ये दिखा रही हूँ कलर्स, कितने कलर्स है। DIY में बच्चों के हैंड प्रिंट के इस कलर्स को देखकर मैंने झट से उठा लिया कि बयान से उसका हैंड प्रिंट ज़रूर लूँगी। तो ये A5 के पेपर मेरे पास हैं और ये देखिए ये भी हैंड प्रिंट का ही एक दूसरा फिंगरप्रिंट्स का है, बड़ा अच्छा। ये भी एक बुक की तरह है जिसमें ये जो कलर्स दिख रहे हैं इसमें बच्चों के थंब प्रिंट, फिंगर प्रिंट्स वगैरह डाल करके फिर उससे अलग अलग शेप्स। और तो दीप्ति उसे बहलाने की कोशिश कर रही है और मैं यहाँ देखे वेट कर रही हूँ कि कब वो आए और हमें कोऑपरेट करे। हालांकि बच्चा है, मुडी भी है और उसे अपनी तरह से उससे कुछ काम करवाना पॉसिबल भी नहीं है। तो बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आ जाएगा। और ये देखिए थोड़ा सा बहल गया है नन्ना बच्चा। अब देखिए कैसे हाथ में वो कलर लगाएगा और उसके हाथों का प्रिंट हम ले लेंगे। इसकी मासूमियत देखिए, मासूम सा नन्ना बयान। Clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. And you really want to say वो इस rhymes को अपना वो अपने action से show करता है। ये देखिए आखिर उसने ये color हाथ में तो लिया और अब ये red दिखा रही हूँ उसे, थोड़ा थोड़ा interest दिखा रहा है। तो सबसे पहले मैंने दीप्ति के हथेली में वो कलर दिया, तब उसे लगा कि ये जरूर कुछ इंटरेस्टिंग है। ये देखिए दीप्ति उसकी हथेली पर कलर लगा रही है और उसको समझ नहीं आ रहा कि है क्या, हो क्या रहा है। और ये बड़े नफासत से वो उंगलियों में लगा रही है और पेपर लिए मैं बिल्कुल इंतजार कर रही हूँ कि बस somehow वो मेरा जो मकसद है उसे पूरा कर दे। ये देखिए येलो कलर, ये एक प्रिंट तो हमने लिया, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहा है। तो इस तरह से पीले नीले लाल नीले पीले रंगों से उसके हैंड प्रिंट तो हमने लिए और उसके बाद फिर ब्लैक से भी लिया, वाइट कलर भी हालांकि वहाँ पे था लेकिन वाइट में वाइट तो बिल्कुल दिखता ही नहीं, तो हमने उसको नहीं दिया। ये देखिए उसके हाथ को फिर से वाइप कर रही है उसकी मम्मी। वाइप करने के बाद फिर हम लोग जिसका कलर उसकी हथेली में लगाएंगे। तो ये एक प्रोग्राम था जो मैं मुंबई से ही सोच कर आई थी। ये देखिए मैं अपनी हथेली में भी लगा रही हूँ ताकि उसको इंटरेस्ट आए। तो एक तरह से मज़ा ही आ रहा था रंगों से खेलना, वैसे ही मुझे बहुत पसंद है। मैं मिस भी कर रही हूँ अपने मुंबई के स्टूडेंट्स को, आर्ट क्लास मिस हो रहा है। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में भी अपने पोते के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत हो रहा है। ये देखिए मैंने अपने हैंड प्रिंट डालकर उसे दिखाया तो उसे थोड़ा सा कुछ कुछ समझ में आया। हालांकि जब उसका मूड होता है तो समझता है, अदरवाइज बस 1.5 साल का बच्चा जितना समझ सकता है वो समझता है। अब थोड़ा वो मशगूल है रंगों के साथ और ये अब पीले रंग उसके लेफ्ट हैंड में दीप्ति ने लगा दिया। हाँ वो कुछ कुछ मांग भी रहा है बीच में, हरा रंग वो मांग के उसने लिया। ये देखिए इस तरह से उसकी हथेली के
दो प्रिंट तीन प्रिंट लेने में हम लोग कामयाब हो गए। अभी हरा हरे की बारी है, फिर ब्लू, अरे यार बस सारे लेकर के फिर फाइनली फिर जब वो उब जाएगा तो उसे छोड़ दूंगी, क्योंकि उसका मूड खराब नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ नया हो रहा है तो बहुत ही इंटरेस्ट से कर रहा है, इससे पहले उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि बात क्या है और दादी और मम्मी क्या कह रही है उसको। तो हम लोग भी बच्चे के साथ बच्चे ही बन रहे हैं। एक बार फिर से मैंने अपनी हथेली में ये देखिए कलर लगाया और फिर अब व्यान की हथेली में लगाया जा रहा है। अब बड़ा अच्छा कलर था, तो मेरे को तो लग रहा था पता नहीं हाथ से जाएगा कि नहीं, पर इसी मकसद के लिए बना ही है कलर। जैसे ही पानी से धोया बिल्कुल धुल गया, तो ये बहुत अच्छा है बच्चों के हैंड प्रिंट लेने के लिए। ये देखिए एक और इस तरह से, ये देखिए हम लोगों ने बिल्कुल मॉडर्न आर्ट बनाया। अब फिर नाराज हो गया, अब उसे चाहिए, अब somehow वो ब्लू करेगा। ब्लू की बारी है, ब्लू करने के बाद फिर ब्लैक की बारी है। और थैंक गॉड कि वो सब कलर उसने कर ही दिया। और नीचे हमने कारपेट पे एक शीट बिछा दिया था हार्डबोर्ड पे, ताकि वो कलर नीचे लगाए तो फिर कहीं लग ना जाए कारपेट पे। तो इस तरह से ये देखिए अब वो ब्लू लगा, पूरे चेहरे में भी हल्का फुल्का लग गया, बड़ा क्यूट लग रहा था। पूरी एक्टिविटी बड़ी ही अच्छी रही। वो अभी तो समझ नहीं आएगा, बाद में मैं इसे प्रिजर्व करके रखूंगी, बाद में देखिएगा। ये देखिए ब्लू अभी लगाने के लिए तैयार नहीं है, तो A5 पेपर जो है बस यही उपलब्ध था। हालांकि बड़े चार्ट पेपर भी हम लोग उसका हैंड प्रिंट ले सकते थे, पर वो भी मालूम नहीं उसे पसंद आता कि नहीं, उसकी पसंद की बात थी। छोटे पेपर को तो हम लोगों ने बहुत आसानी से मैनेज कर लिया। तो आज की शाम बिल्कुल इसी में बीती, क्योंकि बहुत समय लग गया। अश्विन और शिखर बाहर गए हुए थे, तो आसानी रही, कुछ काम नहीं था घर में। बस हम तीनों थे और मस्ती से बस कलर से खेल रहे थे। तो कुछ हैंड प्रिंट्स मेरे भी आ गए इसमें, तो दादी पोते की हैंड प्रिंट्स हैं। ये देखिए ब्लू, अब उसको समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या। ये देखिए उसके, अब वो इज टोटली कंफ्यूज्ड कि हो क्या रहा है। बहुत मस्ती आएगी बाद में देखने में। तो इस तरह से बच्चा कभी हंस रहा है, खेल रहा है, कभी नाराज भी हो रहा है। पर इससे उसको थोड़ा थोड़ा कलर में उसे खेलने की इच्छा हो गई। इसी तरह बीच बीच में बच्चों को कलर्स इस तरह के देने चाहिए, ताकि वो फ्रीली कलर से खेल सके। ये हम मैंने तो बस उसके हैंड प्रिंट लिए कि मैं ले जाऊंगी मुंबई, पर नॉर्मली भी छोटे बच्चों को ये दिया जा सकता है कि बस एक ही पे है, पेपर कमी होगी। यू जस्ट प्ले विद कलर्स। तो कहां होगी दादी का, तो आ ही नहीं रहा है। सो ये देखिए भर के लगाइए। अच्छा, उसकी मम्मी वाइप कर दे रही है और वो खुश है। तो ये सारे प्रिंट्स मैं अच्छी तरह से अपने साथ रखूंगी। अब इसमें ब्लैक कलर भी बचा हुआ है, एक्चुअली व्हाइट नहीं, व्हाइट लास्ट कलर, बाकी तो हम लोगों ने करवा ही लिया है, सिर्फ लास्ट ब्लैक कलर बच गया है। वो व्हाइट हटा दीजिए और भी कलर्स उसमें बचे ही रहेंगे, क्योंकि सारे तो खत्म हुए नहीं। थोड़ा और बड़ा होगा अभियान तो फिर वही खेलेगा इससे। ये व्हाइट उसने लिया, पर व्हाइट के लिए तो कलर पेपर चाहिए था, जो हम लोग के पास था नहीं, तो जो उपलब्ध था उसी पर हमने प्रिंट ले लिया। ये देखिए ब्लैक, सामने ब्लैक आया, तो ब्लैक से वो किसी तरह से लास्ट में हम लोगों ने मैनेज किया ब्लैक से प्रिंट लेने का, क्योंकि बार बार वो काहे बगाए अपने चेहरे में, कपड़े पर,
सब जगह उसने लगा ही लिया था। अब क्या है, हल्का फुल्का ग्रीन फिर से लगाया उसने, एक पोर्ट्रेट ले येलो रेड ब्लू नाउ ग्रीन, ये देखिए ये तो टोटली मॉडर्न आर्ट बना दिया उसने। तो बहुत मजा आया, अच्छी शाम बीती हमारी नन्हे वियान के साथ। तो ये है वियान का पहला आर्ट वर्क, तो 1.5 साल का वियान और उसका आर्ट वर्क बिल्कुल हैंड फ्री, तो ये अच्छे से प्रिजर्व करने लायक है, प्यारा सा। यहाँ देखिए अश्विन वियान और स्कूबी, शिखर फिराया वियान ज्यादा शैतानी कर रहा था तो उसे स्कूबी से दूर करते हुए चला गया, पर वियान और अश्विन स्कूबी के साथ खूब खेल रहे हैं। तो इसी तरह हंसी मजाक मस्ती में हमारे दिन बीत रहे हैं। तो दोस्तों बताइएगा आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। उम्मीद है आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। हमारी यात्रा जारी रहेगी, काफी दिन यहाँ हमने छत्तीसगढ़ में अपने परिवार के साथ और आपको वीडियोस भेजा भी, बहुत सारे शॉर्ट्स भी भेजा दादाजी के पास, दादाजी के पास के आपने जरूर देखा होगा और सराहा भी होगा। तो ये यहाँ पे बड़ा अच्छा मुझे चॉपर मिला जो कि शायद मुंबई में भी मिल जाएगा पर कहीं दिखा नहीं था। तो आज प्रोग्राम था वेज मंचूरियन बनाने का, तो बिना प्याज लहसुन के वेज मंचूरियन बनाना था और चॉप करना भी था, हालांकि नाइफ से भी चॉप कर ही रही थी लेकिन आज ये चॉपर खरीद के लाए हम लोग, तो उसे इस्तेमाल किया, बहुत ही मस्त चॉपिंग होती है इससे और मंचूरियन बढ़िया बना भी और उसे इजीली हमने चॉप भी कर लिया, गाजर हो और दूसरी गाजर, जबकि आप जानते हैं ये बहुत हार्ड होता है, फिर भी बहुत अच्छी तरह चॉप हुआ और बाकी सब्जियां भी बहुत अच्छे से चॉप हुई। तो इस तरह से शाम को हम लोगों ने चाउमीन और मंचूरियन बनाया। तो रोज़ सोचना पड़ता है बिना प्याज लहसुन के क्या क्या बनाए, तो बन ही रहा है, आखिर निभा लिया इन लोगों ने। बच्चों के घर में अगर सारे लोग बिना प्याज लहसुन के खाना खाएं तो अच्छा लगता है और पूरा ही भक्तिमय माहौल होता है, दिन रात पूजा भी चल रही है, अखंड दिया जल रहा है और किचन में भी कुछ ना कुछ बन रहा है। ये देखिए व्यान भाई कर दिया।